देखिए मैडम, 11.11 लाइट ऑफ वेवलेंथ नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय आर्गन लेजर व्हिच इज यूज्ड इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट फ्रॉम दिस स्पेक्ट्रल लाइन इज इंसिडेंट ऑन द एमिटर स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज 0.38 वोल्ट. फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटीरियल फ्रॉम विच द एमिटर इज मेड. मिस मधु थोड़ा समझाइए. तो फंडामेंटल इक्वेशन से उन्होंने एच म्यू दिया है और उसके बाद वर्क फंक्शन हम लोग को ढूंढना क्या है, विच इज एच म्यू नॉट प्लस के में. हाँ, वो कट ऑफ वाला नहीं समझा. ई वी नॉट. हाँ ये समझ आ गया मैडम. हाँ समझा. अभी वी नॉट भी दिया है हम लोगों को, सिर्फ वर्क फंक्शन ढूंढने का. मैं आपको बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल फंडामेंटल जो इक्वेशंस है ना उसी को बार बार लिखिए, तो एक तो इक्वेशन याद हो जाएगी, एक आपको हर बार देख के समझ आ जाएगा कि क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ. जैसे हाँ समझा. ये जो क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ इज प्रोड्यूस्ड, तो ये जो वेवलेंथ है, इस ये जो वेवलेंथ है इसको आप जो आपका मेटल है या जो मटेरियल है उसके ऊपर शाइन कर रहा है. मेरी बात समझे? हाँ सर. तो आप जो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी से शाइन कर रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी से शाइन कर रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा कि ये लैम्डा दिया हुआ है तो लैम्डा को आपको चेंज करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में, तो वो तो ज़्यादा सरदर्दी का काम नहीं है, तो उसको आप लिख सकते हैं ऐसे, एच हेच बाय लैम्डा. सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू आपका वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट. मैडम यहां तक समझ आए? यस सर. ओके. अब देखिए फिर से आपको निकालना क्या है, फाइंड द वर्क फंक्शन. तो ये तो हमारा अननोन है, ठीक है, तो ये तो अननोन है तो इस पे तो फोकस हमारा कम होगा, बाकी की देखते हैं कि क्या क्या मटेरियल हमारे पास है. एच हमारे पास है, सी हमारे पास है, लैम्डा जो है वो मुझे दिया गया है ये 488 नैनोमीटर. इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा 488 इंटू 10 इज, शाबाश, इतने मीटर में कन्वर्ट करके मैं यहाँ डाल दूंगा, मेरा काम बन जाएगा. ई की वैल्यू मुझे पता है और जो वी नॉट है वो क्या है, मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल. वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो दिया हुआ है 0.38, यहाँ मैं डाल दूंगा. इसमें तो समझा? यस सर समझा. तो कहने का मतलब ये आपके पास है, 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 आपको निकालना है सिर्फ ये. आपको समझ आया? हाँ सर. तो तभी आपको बता रहा हूँ कि हर बार अगर आप बेसिक सी इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे तो इक्वेशंस भी याद हो जाएंगी बार बार लिखने से, और क्वेश्चन भी काफी क्लियर हो जाता है. तो ये ही हमने डिस्कस किया, ये हमारा अननोन है, ये अननोन है, ये एच सी बाय लैम्डा है, ये ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल है. अब सिर्फ आपने इसके अंदर वैल्यूज डालनी है, वो जो वैल्यूज डालनी है वो ये आपके सामने डाली हुई है. एच की वैल्यू आपको पता है, सी की वैल्यू आपको पता है, ये लैम्डा है, ई की वैल्यू आपको पता है, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है. अब जो सरदर्द है वो क्वेश्चन नहीं रह जाता, जो सरदर्द है वो इस को सॉल्व करना रह जाता है. मेरी बात समझ आएगी आपको? हाँ सर. प्लीज, भूत के बच्चे को आप सॉल्व कौन करेगा, इस भूत को कौन सॉल्व करेगा, वो आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो नहीं समझ आएगा आपको. और पहले ट्राई कीजिए कि बेसिक कैलकुलेटर से फटाफट उसको करने की कोशिश कीजिए, और याद रखिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन ऐसे रखिए, ये देखिए जैसे ये 10^-17 और 10^-19, अगर आप देख रहे हैं इनको मैं अलग ही ट्रीट किया हुआ है. ये देखिए ये 10^-17 था, इसको करते करते मैं 10^-19 ले आया, और यहाँ पर भी 10^-19 था, तो 10^-19 बाहर निकल गया, और ये यूं मक्खन की तरह 4.073-0.608 वो मैंने अलग निकाल दिया. मेरी बात समझ आई? हाँ सर समझा. बट आपकी प्रॉब्लम ये है कि मुसीबत अभी ख़त्म नहीं होती, ये SI यूनिट से अगर आप निकालेंगे
ऐसा यूनिट से जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा जूल में, नहीं समझा? हाँ सर समझा। और अगर जैसे महाराष्ट्र बोर्ड वाला जो आपके आंसर है वो ईवी में चाहता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहता है, तो उस जूल को आपको इससे डिवाइड करके, ये फैक्टर से डिवाइड करके आपका जो आंसर निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा, नहीं समझा मैडम? समझा सर। तो अगर आप मेरी सजेशन मानेंगे तो ये जो अभी हमने डिस्कस किया 11.11, 11.10, 11.9, 11.8, आई थिंक 11.8 से ही हमने स्टार्ट किया था, तो ये 11.8 और 11.6, ये इलेवन सारे पॉइंट सिक्स इलेवन हाँ ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपको दोबारा करने चाहिए, मेरी बात समझे? ओके सॉल्यूशंस आपके पास हैं, ये लेक्चर मैं आई थिंक शाम तक अपलोड कर दूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कल मेरे से डिस्कस कर लीजिए, बात समझे? ओके सर कल मिलते हैं। बाय सर थैंक यू सर। ओके।